अभी आदेश जारी हो गया कि नहीं वेतन का या 15 दिन का पा गए हो? सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और हंसी आती है या रोए कुछ कह नहीं सकते। आपको सर बता दें, आप सभी को, हम लोगों का जो मानदेय है वो हर महीने 8 तारीख तक और अगले महीने की 1-2 तारीख तक ग्रांट होती है माननीय डीजी विजय कुमार आनंद सर के द्वारा। और 15 दिनों का जो हमारा पैसा काटा है तो वो 15 दिनों का आज ही आदेश जारी किया है और लिखा है 1/2 माह। 1/2 माह का मतलब हमको तमाचा हमारे मुंह पर मार रहे हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम पर एक तमाचा मारा है, अभी आधा पड़ा है और अभी आधा और पड़ेगा जब हम ये पूरा काट लेंगे। आज कई हमारे शिक्षा में साथियों के फोन आए, क्या हमको ठंडी नहीं लगती या हमको जाड़ा नहीं लगता, बताइए। 15 दिन की छुट्टी थी, हम घर पे पड़े रहे, अब बताइए। और सर, आप सबको मैं बता दूं कि इन 15 दिनों में माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा सभी शिक्षा मित्रों से बीलों के रूप में हम लोगों को घर घर भेजा गया है। हम लोग आधार कार्ड की सबकी फोटो कापी भी अपने पास से कराए हैं, वो भी पैसा नहीं दिया गया। और निर्वाचन आयोग भी सर हमारे साथ अन्याय कर रहा है। मैं आपके चैनल के द्वारा ये बस अभी तक पहुंचाना चाहता हूं। अगस्त 2022 में हम लोगों का जो बिलो मानदेय है 500 महीने से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया था, लेकिन वो ये 1000 रुपए महीने का हमको आज तक नहीं मिला। एसडीएम से मैंने पूछा, डीएम से पूछा, कहा क्यों परेशान, मिल जाएगा, सब तरकाते हैं। तो सर, अभी जो राजाराम त्रिपाठी सर ने एक बहुत बड़ी बात कही और हम लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं आप लोगों को, क्योंकि अगर कोई हमारे साक्षात भगवान है तो आप ही लोग। और मैं आज सुरेन सर के भी घर गया था, पिता तुल्य हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और अपना तो लगा, और हमें लगा कि अब हम भी लोग भी अब क्या करें। बस वही है कि विक्रम भाई आपसे भी कहेंगे, अनुनय विनय का अभी रास्ता है, जैसा कि हमारे बड़े लोगों ने कहा है, हम लोग उस पर चलेंगे, फिर जितने संविदा कर्मी हैं सबको जगाएंगे, फिर जब 2-3 महीना आचार संहिता का रह जाएगा तब क्या करना है, या तो हम लोग इतिहास लिखेंगे या इतिहास बन जाएंगे। हमें यही कहना है प्रजातन। बड़ी बात कह रहे हैं आज जयकरण सिंह, या तो इतिहास बनेंगे या इतिहास बन जाएंगे। सुरेन सर, इतिहास और भूगोल ये सब बताना और कहना रहा है आसान होता है, लेकिन समस्या कहां से खड़ी होती है? समस्या खड़ी होती है जब सरकारें ये मान लेती हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हमें जनता वोट नहीं करती है, तो हम इस पर कोई भी फोकस करें भी तो हमें बेनिफिट क्या है।